इस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बैक बेंचर्स लेवल का क्वेश्चन है कि मैं एक बैक बेंचर रहा हूँ या एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ या क्लास 11 12 को मैंने सीरियस नहीं लिया, तो क्या मैं सीए कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं इनके माइंड में ऐसा चीज़ होती है कि मेरे लेवल का ये कोर्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसका एक क्लियर कट आंसर ये है कि आपने अपना पास में कैसा भी परफॉर्मेंस रखा तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। डिपेंड ये करता है कि आप फ्यूचर में कितना बेटर करना चाह रहे हैं। आई मीन टू से, मैंने बहुत सारे सीएस ऐसे देखे हैं जो क्लास 11 12th में 90% से अबव होल्ड करते थे एंड अनफॉर्चुनेटली सीए में उन्होंने फेलियर देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद भी क्लास 11 12th में एक ठीक ठाक बच्चा था, मतलब आई विल नॉट से कि मैं एक्सीलेंट था, बट स्टिल मैंने भी सीए में फेलियर टेस्ट किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लास 11 12th में एक्सेल थे तो आपका सीए में आप कर जाओगे क्लियर या रैंक ले आओगे, वो सब चीज़ें एक साइड होती है। क्योंकि सीए में सिर्फ आपकी जो है इंटेलिजेंस ही नहीं, आपका एक हार्डवर्क, एक पेशेंस लेवल, डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें जो एक ये किताबी बातें नहीं है, ये रियलिटी हैं जो आपके अंदर होनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, जो हमेशा से नर्सरी से लेकर 12th तक क्लास में टॉप करता रहा है, फर्स्ट आता रहा है, ट्रॉफीज घर लाता रहा है, वो ना कभी कभी फेलियर नहीं देख पाता। और जो बैक बेंचर होता है उसको अपना पता है कि अगर वो 50% 60% में कितना खुश होता है, तो वो चीज़ें सीए में चल सकती हैं। कि अगर आप ये सोचें कि अगर आप बैक बेंचर हैं बट आप एफर्ट करने को रेडी हैं, या फिर क्योंकि देखो बैक बेंचर का मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट के माइंड में इंटेलिजेंस की कमी है, तो आप उससे रिलेशन मत करना कि आपके 11 12th में क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर आप फ्यूचर में अपना पूरा फाउंडेशन को दोबारा से बिल्ड करने की इंटरेस्ट रखते हैं या एक उस लेवल का आपका डिटर्मिनेशन है, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस कोर्स और आप क्लियर भी कर सकते हैं। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स ये क्लियर कर जाते हैं, इवन मैं आपको ऐसे स्टूडेंट्स दिखा सकता हूँ जिनके पास क्लास 11 12th में साइंस थी और उन्होंने आज सीए क्वालिफाई कर ली है। तो स्कूल में अगर आपके पास 11 12th में साइंस या फिर कॉमर्स में आपकी एवरेज परफॉर्मेंस रही है, तो भी आप सीए ज्वाइन कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। सो दैट डजेंट मैटर कि आपके पास साइंस थी या फिर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस रही क्लास 11 12th में, अगर आप प्रॉपरली कमिटेड हैं, प्रॉपरली हार्डवर्क करने का, एफर्ट रखने का पूरा अपना डिटर्मिनेशन रखते हैं और अपना फाउंडेशन दोबारा से बिल्ड करने का अगर आपका माइंडसेट है, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द सीए प्रोग्राम।